लाइव। हे पीपल, हेलो हेलो, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? जस्ट गिव मी अ फर्स्ट थम्स अप, जल्दी बताओ। यस, आई थिंक आई एम, दिख रहा है भाई अब? राइट, सो हे हे, कम ऑन कम ऑन, वेलकम वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे। इट्स ओके राइट। टुडे वी आर हेयर टू solve the anthe mock paper for grade 9th motion over here, right? So this is the anthe crash course series and you all know what we do here, right? So good evening everyone. Yes, class has started. Come on, yes, come on people, come on, give me a thumbs up, give me a heads up, jaldi batao, sunai de raha hai, dikhai de raha hai, badhiya, ha, smart board, dekho tumhare chakkar mein late hua hai, dekhta hu to tum bole the smart board, right? So that's why this is for a smart board. And yes, today we are here to solve a lot of questions. I'll be solving each question properly. And this is motion, by the way. We have discussed motion a lot, which means apne ko na dikkat nahi hoga. I'll show it to you. Motion se anthe ke questions tum aise karoge. Don't worry about this. Good evening people. And I guess it's a good thing, no? Kriti ma'am ka session khatam hua hai kitne baje? I think 6 baje. Tum logo ko break mil gaya, I think, hai na? Ho gaya? चाय नाश्ता हो गया, पानी वानी पी लिया, आराम से बैठे हो ना, जल्दी बताओ। कंप्लीट ऑल चैप्टर्स, वेरी गुड, थैंक यू प्राची, यस नितिका, वेरी गुड, पूनम थैंक यू, ऑडिबल थैंक यू, फातिमा यस, हेलो भुवनेश, है ना, हो गया ना, मजा आया वन शॉट में। गुड इवनिंग, आई एम गुड पीपल, हाउ आर यू? ह्यूमन आई तो हमने कर लिया रौनक, ह्यूमन आई का तो वन शॉट कर दिया हमने, अभी हम क्या करेंगे आगे, इलेक्ट्रिसिटी का है आज शाम को ये 10 बजे, राइट? मजा आ गया ना, बहुत अच्छे। एंड बाय द वे, क्लास 10th के लिए टुडे वी हैव इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट एट 7:00-ish आई वुड से, ठीक है, धमाल मचा दिया जोश के साथ, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, फर्स्ट अग्रीमेंट के आई वॉन्ट यू टू बी रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, पेन और नोटबुक पास रखो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एंथे के क्वेश्चन है, तुमको पता है एंथे के क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्ट होते हैं लेकिन तुमको आसान भी लगेंगे, आज के क्वेश्चन आसान है बिकॉज हमने कर रखे हैं, ठीक है, जल्दी बताओ, चालू करें, रेडी? वर्क एनर्जी भुवनेश, इसके बाद नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी का वन शॉट ओनली, और ग्रेविटेशन के लिए आई हैव प्रॉमिस्ड टेलीग्राम पे, आई टोल्ड यू नो फ्राइडे टेलीग्राम पे हम लोग, सॉरी आई टोल्ड यू ऑन टेलीग्राम कि हम लोग ग्रेविटेशन के लिए छोटे 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 चंक्स आपको देंगे, और डोंट वरी वन शॉट दोबारा कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। भूमिका नहीं, मेंटी नहीं है आज, लेकिन देखो आज का सेशन मेंटी तो नहीं है लेकिन सॉल्व करेंगे हम लोग बिंदास, डोंट वरी, ठीक है। यस, कम ऑन, शो मी एक्साइटमेंट, टेल मी इफ आर वी रेडी टू प्रोसीड, हम आगे चलें, थम्स अप दो, लाइक प्रेस कर दो इफ यू थिंक यू आर रेडी, ठीक है, कम ऑन, हाँ पटाखे चला दो यार जितने करने तुमको इमोजी में, कमॉन, यस, वेरी गुड, रेडी विद पेन पेपर एंड नोटबुक, सो पीपल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एंथे फॉर क्लास 9th, लेट्स सी। देखो एंथे क्या है, इफ देयर इज समवन जिसको नहीं पता है सर एंथे क्या है, एंथे कुछ नहीं है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, हमको पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है एंड यू ऑल नो कि आपको रजिस्टर करना है, ठीक है भाई, फ्री है रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली ऑल इंडिया एग्जाम है, जे देना चाहते हो फ्यूचर में, नीट देना चाहते हो, उसका मतलब एंथे तो आज देना जरूरी है, ठीक है, फ्री है, मेक श्योर यू डू इट, मेक श्योर आप अपने दोस्तों को पड़ोसियों को जिसको लगता है ना टैलेंट है, बस एक मौका चाहिए, मौका दिलवाओ उनको, ठीक है। यस, 5th नवंबर, 5th to 13th एंड 6th to 13th, 5th to 13th इज ऑनलाइन, 6th to 13th इज ऑफलाइन, ठीक है। यस, एंथे के बारे में हम सबको पता है, हेलो हेलो कोमल, यस, ऑल लेसन आर वन शॉट, अब मजा आएगा तुमको, ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्लास 7 to 9 एंड दिस टाइम यू हैव अ चांस ऑफ गोइंग टू नासा एज वेल, दिस इज गुड। चलो क्वेश्चन ही आ गया, लो सो पीपल कम ऑन, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ आई नो भावेश लेट हो गया, अरे पिछला सेशन तो कैंसिल हो गया यार क्लास 7th का, कम ऑन, यस, Which of the following physical quantity cannot be negative? किया हुआ है हमने क्वेश्चन, और बाय द वे एंथे का क्वेश्चन है ये, और हम लोगों ने सेशन में किया हुआ है, तुमको याद है ना, कितने लोगों को याद है हमने क्वेश्चन किया है ये, जल्दी बताओ,
इट्स ओके पूर्णा, होता है. सिबलिंग्स आर देयर टू टॉर्चर ओनली, दैट्स फाइन. यस भुवनेश, डोंट वरी, फीडबैक टेकन, दैट्स गोइंग टू हैपन एनीवेज, राइट? है ना? यू रिमेंबर, राइट? वी हैव डन दिस क्वेश्चन. भाई, कैन नॉट बी नेगेटिव. वॉट कैन बी नेगेटिव? सर, नेगेटिव कैन बी समथिंग विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अ स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या किसी का मास -10 kg हो सकता है? क्या किसी बॉडी की स्पीड -10 m/s हो सकती है? है? नहीं, राइट? सो स्केलर क्वांटिटीज कैन डिस्टेंस कवर्ड कभी हो सकता है -100 km? नहीं, इट्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज. कैन समवन टेल मी माइनस क्या बताता है? व्हाट डज माइनस टेल यू? यस यस यस, देखो आंसर तुम्हारा ठीक है, आंसर स्पीड ही है. माइनस क्या दिखाता है किसी किसी क्वांटिटी में? यस, कमान कमान कमान, डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर माइनस साइन बताता है डायरेक्शन. मतलब सर, अगर देखो स्पीड आंसर है इसका. क्यों? क्योंकि इन चारों में स्पीड अकेली क्वांटिटी है जो कि स्केलर है. भाई वेलोसिटी सर वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सर वेक्टर क्वांटिटी होती है इन विच यू रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मतलब कितना, भाई कितना स्पीड है? सर 20 m/s. किस तरफ है? ईस्ट की तरफ. कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट? सो दैट्स व्हाई. फाइन, है ना? नहीं नहीं, दिवाली की शॉपिंग नहीं हुई अभी, अभी कहां दूर है दिवाली, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज वेक्टर्स, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी यार जिनको की जरूरत नहीं होती, है ना? आपका मास कितना है भैया? 4 kg चावल दे दो, गिव मी 4 kg राइस, गिव मी 1 kg फ्लावर. सो दिस इज व्हाट, ऑल दिस इज मास, दैट्स व्हाई. ओके फाइन. अब वेलोसिटी है अगर 5 m/s, है ना? इफ इट इज 5 m/s, इट मींस सर 5 m/s टू द राइट प्लस -5 m/s, इट मींस टू द लेफ्ट. कंडीशन है इसमें, इस कंडीशन क्या है सर? प्लस है राइट, लेफ्ट है माइनस, ठीक है? इस डायरेक्शन ओनली. फाइन, ऑल राइट, चलो बढ़िया. ओके तो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो आसानी था यार, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, सी. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव? एक मिनट, ओ सॉरी, हम तो कर लिया पहले ये. चलो स्पीड आंसर है, अगला क्वेश्चन देखो. एसर्शन रीजन क्वेश्चन, हमको डर लगता है थोड़ा एसर्शन रीजन ना. कम ऑन, यस. एसर्शन रीजन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. नेगेटिव होगा मतलब डायरेक्शन उल्टा है उसका, बस राइट. कम ऑन, एसर्शन रीजन. भाई बहुतों को डर लगता है इससे. व्हाट हैपेंस इन दिस? ए assertion, the statement is saying if an object moves along a straight line without changing its direction then magnitude of average velocity is equal to average speed. ye discuss humne kiya hua hai, right? hai na bhavesh, bahut purani baat hogi, hai na? ye discuss humne kiya hua hai, correct? bhai session mein I have told this to you many times, speed aur velocity inko hum interchange kar sakte hain lekin condition hai ek. kitno ko yaad hai ye humne discuss kiya, jaldi batao, याद है ना ये बात? मैं बोला हूं ये चीज, स्पीड और वेलोसिटी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट? है ना? यू रिमेंबर, वेरी गुड. सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, आंसर तुम लोग के सही है वैसे. नो, मास कैन नॉट बी नेगेटिव. कोमल, यस. अच्छा रुको रुको, आंसर तुम्हारे सही है ऑलमोस्ट, कुछ गलती हो रही है उसमें, लेकिन आई विल टेल यू व्हाट. विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. ओके, रीजन क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. देखो पता है, लॉट ऑफ यू आर सेइंग ए, अब जाके कुछ बी बोलना चालू किए. बहुत लोग ए बोल रहे हैं और कुछ लोग बी बोल रहे हैं. क्या लगता है, ए है या बी है? देखो रीजन तो सही है, है ना? ये तो हमने बात किया हुआ है, रीजन तो सही है. भाई वेलोसिटी और स्पीड इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, राइट? ओके, बी पक्का.
नाइस, अब लाइन पे आ गए हो तुम लोग, नाउ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. हे निखा, इट्स ओके या प्लीज प्लीज, डिलीशियस फूड, आज अ डाउट. देखो स्ट्रीट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. देखो भाई राइटिंग खराब आएगी, स्मार्ट बोर्ड यूज करता नहीं हूं ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा बेयर विद मी. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके. एवरेज स्पीड क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फाइन, ठीक है. अब एक चीज बताओ, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां पे गई, बॉडी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, लेट्स से द बॉडी कवर्ड 50 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50. क्यों सर? स्ट्रेट लाइन में गई ना भाई, है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना. डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड. यहां पर लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, सेम हो गया ना, राइट. यस, दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड. सही बात है. तो हमने ये चीज तो कर लिया, है ना. कॉस एंड साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, राइट, करेक्ट. आ रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, ए और बी, ठीक है. ए सही है सर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, डेफिनेशन सही बात है सर, कोई बात नहीं. लेकिन एक बात बताओ, क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यू आर राइट. क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है, कैसे करता? यहां पर क्या होना चाहिए था कि ये एक्सप्लेन कर दे? कोई बताएगा? एनीवन, व्हाट डू यू थिंक यहां पर क्या होना चाहिए था कि ये इसको एक्सप्लेन कर दे? मैं पूछ रहा हूं क्योंकि यही सोच के ना तुमको समझ में आएगा रीजन में होना क्या चाहिए. कई बार हमको ये समझ नहीं आता सर रीजन में क्या होना चाहिए. एवरेज वर्ड होना चाहिए, वेरी गुड, नाइस. भाविश, इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करेंगे, है ना. यस, डायरेक्शन, हाँ देखो तुम सही पकड़ रहे हो सर. अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि हमको बोलना है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हम सेम बोल सकते हैं अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है. दूसरा बोल रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड कोई एवरेज वर्ड के लिए अगर कुछ होता, है ना, अगर कोई बोलता कि इन द रीजन, या फिर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज सेम डिस्टेंस एंड सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, उससे कुछ बात होती ना, तो हम बोलते हाँ तब समझाएगा. बात तो सही है, दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको नहीं समझा रहा है. इसमें डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस कि सर रीजन व्हाई इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एसर्शन? किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताओ. गौरव सुनो ध्यान से एवरीवन, मैं रिपीट कर रहा हूं वेरी क्विकली. भाई एसर्शन बोल रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, एक ही लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. यस सर, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन इज सेम, डिस्प्लेस एंड एवरेज स्पीड बिकम्स एवरेज वेलोसिटी. फाइन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी ठीक बात है भाई. इफ सेम डायरेक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑल्सो, बट द थिंग इज इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस कि भाई अगर वेलोसिटी स्पीड सेम है तो कैसे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स एवरेज स्पीड हो गया? कहीं ना कहीं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तब जाके सेम होता. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फाइन, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे, आसान है यार ये वाला, हमने किया हुआ है. ओ आ जाओ, दिस इज द मैट्रिक्स क्वेश्चन. इसको ना हल्के हल्के करेंगे. कॉलम वन हैज फोर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉलम टू हैज फोर ग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें ग्राफ भी है, मैट्रिक्स भी है. सर वी वर स्केयर्ड ऑफ मैट्रिक्स, वी वर ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ ग्राफ, दोनों एक साथ है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, राइट, ठीक है, फाइन. अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये आसान है, इसको ना लेकिन एक साथ मत सॉल्व करने की कोशिश करना, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर, एक एक करके. जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो तोड़ तोड़ के करना है, राइट, वी हैव टू ब्रेक इट एंड देन सॉल्व इट. चलो लेट्स सी, पहले बात करते हैं ए की, राइट. ए बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बी बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, सी बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डी बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड. ओके फाइन,
चलो देखो, ये हैं चार ग्राफ P Q R S, है ना? Oops, sorry, P Q R S, right? अब देखो, हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है. तो पहले चेक करते हैं रेस्ट का. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये है हमारा ऑप्शन ए, इनमें से कौन कौन सा ग्राफ रेस्ट में है मेरे को ये बताओ पहले. यू आर सेइंग ए टू क्यू, सही बात है सर, रेस्ट में चाहिए. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम, 5 मीटर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 मीटर, भाई बॉडी क्या है ना, बॉडी चुपचाप बैठी हुई है ऐसे अपनी जगह पे, टाइम पास हो रहा है. टाइम हो रहा है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लेकिन बॉडी तो हिल ही नहीं रही. डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज पैरेलल, दैट्स व्हाई दिस इज रेस्ट. सो ए टू क्यू, बढ़िया. और कोई ग्राफ लग रहा है? और कोई ग्राफ लग रहा है रेस्ट वाला? नहीं, राइट? हाँ, ए टू क्यू, ठीक है. चलो बी, बी की बात करते हैं. बी क्या है? बी है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. बी है यूनिफॉर्म मोशन. चलो बी है यूनिफॉर्म मोशन. अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या लग रहा है इसमें, जल्दी बताओ. आर, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं मेरे को बताओ पहले तो. यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. सर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट स्पीड किसको बोलते हैं? कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. देखो गलत तुम में से कोई नहीं है, आई टेल यू. कॉमनली यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एवर यू से नो, वी एंड अप सेइंग सर कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इफ आई टेल यू मोर स्पेसिफिकली, इट्स अबाउट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. लेकिन एक और हिंट है सर, हमारे पास सारे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू, कैन वी टॉक अबाउट स्पीड? नो, वी कैन टॉक अबाउट वेलोसिटी ओनली. मींस इट्स गोइंग टू बी वेलोसिटी, राइट? है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस. सो बी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, ओ सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वी टी ग्राफ या तो ऐसा हो जाए, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो जाए. कौन सा दिया हुआ है हमको? Which one is given to you? This is given to you. Sir, कौन सा वाला? ये वाला, right? So it means this is going to be R, right? This is going to be R. Fine, है ना? Both. हमें दिया कौन सा यहाँ पे? Given to us is that one. भाई ये तो दिया ही नहीं है. So that's why we are not taking. हमको तो पता थे दोनों. सर मुझे दोनों पता थे, मुझे जो दोगे मैं दे दूं, मैं बता दूंगा, राइट? ओके, लेट्स सी. अगला, ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओहो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यस, इसका मतलब मेरे को बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? What can we say non-uniform motion in, I would say, physics terms? क्या बोलेंगे? Option चाहिए किसी को? Option चाहिए तो मेरे को yes no बताओ अभी. Tell me, do you want options or is it okay? हाँ देखो तुम्हारा answer ठीक है. Yes, accelerated motion, retarded motion, both A and B. या फिर चलो ठीक है, मैंने तीन ऑप्शन दिए तुमको, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, या फिर बोथ एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन. बोथ, नाइस. देखो नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. अब या तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो सकती है या फिर डिक्रीजिंग हो सकती है, मतलब एक्सेलरेटेड हो सकता है या फिर रिटार्डेड हो सकता है, काम खत्म, राइट? सो दैट्स व्हाई. भाई अब ध्यान से देखो, accelerated
और रिटार्डेड, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन कैसा दिखता है सर? या तो हमको अगर आप दोगे वीटी ग्राफ, है ना, इफ यू गिव मी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग सर ऐसा, या फिर ठीक है ये हो गया एक्सेलरेटेड, और ऐसा अगेन वी टी ग्राफ, या फिर ऐसा लेट्स से, ठीक है भाई यहां वेलोसिटी कम हो रही है ना, राइट। ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हमने आपको दे दिया एस टी ग्राफ, एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मेरे को बताओ इंक्रीजिंग वेलोसिटी में ये कौन सा है और ये कौन सा है? चलो ये बताई दो, अब इतना हो गया तो एस टी, इनमें से वन और टू, इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला कौन सा है, वन है कि टू है? गौरव इज सेइंग फर्स्ट, यस यस बिल्कुल पूजा, किसी को दो लगता है, आरोही को लगता है, सौरभ को भी लगता है, सौरभ देखो लिसन टू मी भाई, पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर एस टी को टाइम उतना ही, अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, अगर ध्यान से देखो भाई स्पीड तो बढ़ती जा रही है सर, कैसे पता? क्योंकि टाइम इतना, डिस्टेंस कवर्ड इतना, टाइम इतना, डिस्टेंस कवर्ड और ज्यादा। अगर कोई लाइन ऐसी बनी हो, ऐसी सोचो, इतने से टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है ना, इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो होता है ना, ऐसे वाला कर्व, अपर कर्व, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड और ये हो जाएगा रिटार्डेड। बस अब देख लो इनमें से कौन सा दिया हुआ है सर, वी टी ग्राफ ये वाला दिया हुआ है, ओके एस तो होगा, एस तो होगा। उसके अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है, कर्व, रिटार्डेड है ये रिटार्डेड है, राइट, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, यानी कि एस एंड टी, फाइन, हाँ करेक्ट। स्लोप हाई है, स्लोप बढ़ता जा रहा है ना भाई, स्लोप ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, यहां पर क्या स्लोप ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, राइट फाइन, यहां तक हो गया। लास्ट देख लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, अब ये हो गया एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या मांग रहा है, ओनली एक्सेलरेशन, यानी कि आइदर दिस और दिस, भाई हम पे तो लेकिन एक ही दिया हुआ है ये वाला, तो यानी कि फोर्थ वाले में केवल एस आएगा, एंड दैट इज व्हाई हमारा आंसर हो गया ये, राइट। इसमें केवल क्यू, इसमें केवल आर, सी वाले में पी एंड एस, डी वाले में केवल एस। अब बताओ मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ, यस एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम इन द मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन? ये ना डरावने लगते हैं, जब कोई पहली बार आंसर देने जाता है ना, उनको ये डरावने लगते हैं क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टाइमर्स को ना एंथे में सबसे भारी लगते हैं मैट्रिक्स क्वेश्चन देख के, सर क्या आ गया ये तो वो लग रहा है मैट्रिक्स, नहीं ना, फाइन पक्का, चलो ठीक है। दीज आर द इजीएस्ट, ये टाइम टेकिंग है, आई एक्सेप्ट दे टेक टाइम, लेकिन सोचो नंबर भी देते हैं ये, बढ़िया एकदम से, फाइन आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं एंथे डिपेंड करता है हलवा लगने का, अगर आपको कितनी तैयारी है, देखो तैयारी बहुत तेज नहीं है तो फिर लगेगा हलवा नहीं, अखरोट लगेगा जो कि टूटेगा नहीं, ठीक है तैयारी बढ़िया है तो लगेगा हलवा है, राइट। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन ग्राफ? भाई ठीक है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, बताओ, कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन ग्राफ? यस, अब भी पढ़ के आए हैं हम लोग, अब भी पढ़ के आए हैं जस्ट, है ना, राइट, वी जस्ट नाउ स्टडीड दिस, मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं दिखने रहूंगा, है ना, हाँ भाई अभी तो पढ़ा हमने भाई,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना हुआ है सर. अच्छा सर, ये तो स्लोप ऐसा 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 ऐसा, स्लोप कम हो रहा है सर इसका, मतलब इसकी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, सब एक ही बात है, राइट है ना? यस, बाय ऑब्जर्विंग द स्लोप ओनली, स्लोप इज डिक्रीजिंग. इसका मतलब सर यूनिफॉर्म मोशन तो नॉट पॉसिबल. भाई यूनिफॉर्म मोशन होता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, सर नॉट पॉसिबल. क्यों? एक्सेलरेशन होता तो फिर ये ऐसा होता, अब तो नहीं है, नॉट पॉसिबल. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, देखो एक्सेलरेटेड तो नहीं है, अब यूनिफॉर्म होगा चाहे नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर क्या करें, कोई मतलब ही नहीं है. एक्सेलरेशन ही पॉसिबल नहीं है जी, दैट इज द प्रॉब्लम. रिटार्डेशन है ये, नॉन सॉरी यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन. हाँ ये हो सकता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन हो सकता है, ठीक है. अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं तुम्हें घुमाने की कोशिश करूंगा अभी. आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, आई विल ट्राई टू कंफ्यूज यू नाउ. अगर तुम्हारे पास दो क्वेश्चन होते, सॉरी इसमें अगर दो ऑप्शन होते, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, कौन सा चूज करते बताओ? भाई ये तो पता है हमको सर, ये तीनों तो गलत हैं, केवल लास्ट वाला सही है. इन दोनों में से अगर ये दोनों आ जाते कौन सा चूज करते? यू आर सेइंग नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन. हा देखो मैं तुम बताऊं सच्चाई, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11, जरूरत नहीं है तुमको. देखो पहली चीज, ये क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा नहीं, है ना? क्वेश्चन तुम्हें कभी भी ऐसे कंफ्यूज ही नहीं करेगा कि तुमको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे दे और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे. अभी हम जा नहीं रहे पैराबोला वगैरह की तरफ, नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन तुमको देगा जहां पर आंसर देना विल बी वेरी मच आई वुड से क्लियर. यहां पर रिटार्डेशन ही क्लियर है. इट्स वेरी डिफिकल्ट इन योर ग्रेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेस पे. तो पहली चीज, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एंथे में नहीं आएगा, ओलंपियाड में नहीं आएगा, लिखवा लो अभी कभी, डोंट वरी, ठीक है. क्वेश्चन आएगा ऐसा. मैं ये क्यों बताया, मैंने ये इसलिए बताया ताकि तुमको अगर एक्सेलरेशन में डाउट भी हो तो तुम बोलो कि अरे यार तो हो ही नहीं सकता ये दोनों ऑप्शन, मैं इसको देखे कैसे बताऊं, हाउ कैन आई टेल बाय लुकिंग एट दिस इफ दीज टू ऑप्शन आर करेक्ट और नॉट. इसीलिए दोनों हटा दूंगा मैं, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं. Getting it? Yes, answer है option D. Uniform retarded motion. क्यों? Sir, retardation मतलब slope decrease होना. Sir, slope decrease हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल. एक बात बताओ. A और B. किसका slope कम है? A और B. A और B. किसका slope कम है? B का ना? भाई लाइन बी का स्लोप कम है, राइट है ना? सो दैट्स द सेम थिंग. यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपको कभी भी स्लोप समझना हो ना, देखो मैं तुम्हें बताऊं तरीका, कंफ्यूज नहीं होना. स्लोप बताने का तरीका ना एक आसान सा ट्रिक है, तुम्हारी क्लास के बच्चों को नहीं पता. आई एम टेलिंग यू, योर क्लास स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस, बट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड स्लोप, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, फोर लाइन, अगर मैं इसको बोलूं सर ये है डी, यह है सी, यह है बी, यह है ए, डी सी बी ए, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, ए का के डी का? ए का है कि डी का है सबसे ज्यादा स्लोप ये चार लाइनों में, ये बताओ. सबसे ज्यादा ए का है, राइट? दैट्स वाई स्लोप इज डिक्रीजिंग. बस इतना ही करना है और क्या. फाइन, इजी है, समझ में आ गया सबको. चलो अगला क्वेश्चन, अगला वाला बहुत आसान है यार, कम ऑन. यस, हाँ अंशु करेक्ट, टेंजेंट ओनली, दैट्स अ टेंजेंट, वेरी गुड वेरी गुड. अगला क्वेश्चन यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी करेंगे इसको, कम ऑन. अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर. If it reaches to point D after 16 seconds, then the average speed of particle is. Formula क्या होता है? क्या होता है formula? जल्दी बताओ.
अरे आंसर भी आ गई क्या? अरे ऑप्शन देखो ऑप्शन, यू हाँ ए बी सी डी यू कैन से यस, डी बाई टी सिंपल सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो सर दिया है, टाइम इज गिवन टू अस 16 सेकेंड्स, वी ऑल नो दैट, डिस्टेंस कितना होगा? कोई डिस्टेंस बताएगा कितना होगा कमेंट में? जल्दी बताओ, रौनक इज सेइंग बी, गौरव इज सेइंग 50, नाइस 8, सर कैसे? 1 मीटर प्लस ये वाली लेंथ प्लस 2 मीटर्स, अब सर ये लेंथ कितनी होगी? अरे 4 मीटर है, 3 मीटर है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 अंडर रूट कर दो h आ जाएगा, बोले तो 5, राइट, तो दिस इज 5, 5 6 7 8, सो 8 मीटर्स इज द डिस्टेंस, टाइम इज 16 सेकेंड्स, राइट, इसका मतलब कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड, अब ऑप्शन दिए हुए हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर को कर दो सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस तरह से आता है आंसर ऑप्शन बी, करेक्ट, इजी था ना ये वाला? यस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यार, बहुत इजी वाला है तो, राइट, इजी है ये, ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा सर हाउ 8, अंशु चलो एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, 8 कैसे आया भाई, हमको डिस्टेंस निकालना है ना, क्या हो जाएगा, ये प्लस करो, इसके अलावा ये प्लस करो, फिर ये प्लस करो, ये तो 2 दिया है, ये 1 दिया है, अब ये बीच का पोर्शन देखो बस, सर्कल वाला पोर्शन, सर्कल में क्या है, ये है सर, दिस इज 4 मीटर्स, 3 मीटर्स, और ये पता नहीं, निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा ये आएगा 5 मीटर्स ना, बस और क्या, करेक्ट, इजी था ये तो, बहुत इजी था। चलो अगला, एक और assertion reason, यस बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड पीपल, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रियल लाइफ इंस्पायर्ड है, आई वुड से, है ना, देखो दिवाली वाली आ रही है ना, तुम लोग मार्केट में जाओगे, तुमको मिलेगी भीड़, तुम्हारे पास अगर गाड़ी है तुमको पता क्या करना पड़ेगा, राइट, द कार इज मूविंग इन अ क्राउडेड मार्केट, ठीक है, दिवाली वाली अभी आएंगे सब, ईद वीद भी आएंगी, तो दिवाली क्राउडेड मार्केट में ऑलवेज मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा होता है क्या, एक भीड़ वाला मार्केट है ना, योर कार इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट मोशन, ऐसा यस, रीजन, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट और चेंजिंग, ये इजी है ना ये वाला, राइट, ये तो इजी है, रीजन मेरे को बताओ पहले, एसर्शन, हाँ डी है ना भाई ऑप्शन, करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा ना भाई, अगर इफ योर कार इज इन ह्यूज ट्रैफिक, आप क्या करते हो, यू स्टार्ट योर कार एंड देन यू ब्रेक, यू स्टार्ट योर कार देन यू ब्रेक, फिर चलते हो फिर रुक जाते हो, फिर चलते हो फिर रुक जाते हो, है ना, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, लाइक एन एक्सप्रेस वे, वी कैन कंसिडर टू बी एक्सप्रेस वे, है ना, जहां पर होता है यूनिफॉर्म मोशन, 100 पे चल रही है गाड़ी जी एक घंटे तक, है ना, दैट समथिंग वी कैन कॉल यूनिफॉर्म मोशन, क्राउडेड मार्केट में तो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वहां लिखा हुआ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एसर्शन तो हो गया जी गलत, एसर्शन इज रॉन्ग, रीजन क्या बोल रहा है, रीजन इज सेइंग कि हम बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, सच बात है भाई, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हो जाएगा क्या, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी अगर इज नॉट कांस्टेंट, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल, राइट, राइट, ठीक है, सो दैट्स व्हाई A is false but R is true. Very good. Electricity, हाँ हाँ कर, अभी 10 मिनट है यार अभी. Come on. Yes. अगला question.
वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव डन दिस इन द सेशन, जल्दी बताओ इसका आंसर बता दो, बस चल देंगे आगे, कम ऑन. दिस वन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द क्वांटिटी व्हिच रिमेंस कांस्टेंट इज, कौन सी होती है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या होगा कांस्टेंट? ए कौन बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट? नहीं भाई, बॉल ऊपर गई ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर बॉल नीचे आ गई डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है धरती पे भाई, जी है ना हमेशा नीचे, इट इज जी ओनली. इफ अ बॉडी गोज अप, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज. वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे मेरे को बताओ, टॉप पॉइंट पे क्या मैक्सिमम होगा और क्या चीज जीरो होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी जीरो होगी? मैक्सिमम पोजीशन पे व्हेन द बॉल ऊपर फेंकी, एट द हाईएस्ट पोजीशन मैक्सिमम क्या है और जीरो क्या है? जीरो है डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम है वेलोसिटी. सही बोल रहा हूं क्या? जल्दी बोलो. हाँ, काइनेटिक तक पहुंचेंगे ना, पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, उससे काइनेटिक भी आ जाएगा. यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई. जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है मैक्सिमम, है ना, वेलोसिटी है जीरो, उसके बाद क्या होगा? बॉल नीचे गिरेगी. जब बॉल पहुंचेगी वापस ग्राउंड पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम. सिंपल, इतना ही तो है. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरी कर रहा है. स्पीड क्या है? वेरी कर रही है. मोमेंटम भाई, जब वेलोसिटी वेरी कर रही है, मोमेंटम वेरी नहीं करेगा, मास टाइम वेलोसिटी सेम थिंग, राइट? करेक्ट. 9.8, वेरी गुड. 9.8 वैसे एवरेज होता है, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, अरे वाह, एक और ऐसा रीजन. आज तो बहुत सारे हम कर रहे हैं ऐसा रीजन, है ना. चलो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बस इसको कर लेते हैं फिर बताएंगे. यस, चलो. एन एथलीट इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, हैव कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ये इजी है, बस बेकार में कंफ्यूज नहीं होना. कम ऑन, एन एथलीट इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, हैव कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ये तो बोल रहा है एसर्शन. रीजन क्या बोल रहा है? चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. देखिए भाई क्या आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं डी, कुछ कुछ आ रहे हैं सी, कुछ कुछ आ रहे हैं बी. अच्छा चलो ठीक है, बाकी सब छोड़ो, मेरे को एक चीज बताओ बस. देखिए जरा, कुछ पढ़ा है क्या इससे आगे? हाँ सॉरी, पढ़ा है. तो ठीक है, क्या पूछा हुआ है? एथलीट जो सर्किल में घूम रहा है, मान लेते हैं कि स्पीड है कांस्टेंट, राइट? मान लिया कि स्पीड है कांस्टेंट, फाइन, स्पीड कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कहां होगा इसका, कोई बताएगा जल्दी? एक्सेलरेशन किधर होगा? वर्ड्स में बोलो, वर्ड्स में एक्सेलरेशन किधर होगा? चेंज, हाँ चेंज, अच्छा ठीक है, सेंटर है ना, टुवर्ड्स द सेंटर. जब ये बंदा यहां पे है, व्हेन द एथलीट इज हेयर, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर. व्हेन ही इज हेयर, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर. व्हेन ही इज एयर, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर. व्हेन ही इज एयर, एक्सेलरेट टुवर्ड सेंटर. मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी. अब ए बी सी डी क्या सेम है? इज ए बी सी डी द सेम? माई क्वेश्चन टू यू इज, ना ना अंशु, टेंजेंट इज वेलोसिटी, इज ए बी सी डी सेम? डोरेमोन मेरे दोस्त, अब ध्यान दो बस, हो जाएगा. अब ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है? जहां होता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. क्या ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? नहीं जी, कहां डायरेक्शन सेम होता अगर हम बोलते कि ऐसे और ऐसे, ये और ये ऑपोजिट हैं, ये और ये ऑपोजिट हैं. भाई ए बी सी डी, इनका मैग्नीट्यूड भले सेम हो, मे बी द मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट ना भाई. ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, तो ए बी सी डी सेम थोड़ी है.
क्यों? वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, इसको क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है? यस, फाइन. सो दैट्स व्हाई असर्शन इज रॉन्ग. बात हुई रीजन की. चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. हाँ, ये बात सच है भाई. एक्सेलरेशन क्यों है, सॉरी वेलोसिटी चेंज क्यों है? बंदे की स्पीड तो सेम थी, वेलोसिटी का डायरेक्शन था टेंजेंट के थ्रू, राइट? एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स टेंजेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज चेंजिंग. सिंपल. एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, फाइन. सो पीपल, आई होप यू अंडरस्टैंड, वी हैव गॉट यू कवर्ड. व्हाई टुवर्ड्स सेंटर. अच्छा स्वप्निल, y towards center वाली बात मैं डिराइव तो नहीं करूंगा अभी, लेकिन ये बता देता हूँ. ये मान लो वेलोसिटी अगर ऐसे है ना, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ऐसे आती है, तो इस तरह से towards center आ जाता है. लेकिन मैं तुमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं बताऊंगा अभी, रहने दो, बाद में बात करेंगे. towards center होता है ये मान लो तुम, ठीक है? यस, फाइन पीपल, यू अंडरस्टैंड, वी हैव गॉट यू कवर्ड, राइट? ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. सेशन लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो. एंथे का है ये, पता है आसान क्यों लगा? क्योंकि तुम लोगों ने मोशन ढंग से किया हुआ है. बिकॉज यू हैव अटेंडेड मोशन सेशंस सीरियसली, दैट्स व्हाई दिस एंथे क्वेश्चंस यू फेल्ट वेरी इजी. अदरवाइज नॉर्मली स्टूडेंट्स कैन गेट कंफ्यूज्ड. असर्शन रीजन थे तीन इसमें, हम सबको डर लगता है उससे, राइट? हमने कर लिया आसानी से. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. मेक श्योर यू लाइक द सेशन, राइट? ज्वाइन टेलीग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. एंड दिस इज 5th of October, आज क्या है? Oh yes, sorry. 5th of October, 12 PM को है ये वेबिनार, राइट? दिस इज फॉर योर पेरेंट्स. इस पर हमने पूरा सेशन लिया हुआ है. ये क्यों हुआ है? ताकि पेरेंट्स और आप सेम पेज पे रहो, राइट? इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स. अगर उनको टाइम नहीं मिल पाता है आपकी पढ़ाई में ध्यान देने का या फिर स्पेंड करने का, आई वुड से इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट इफ यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट दिस. आई एम टेलिंग यू, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा बहुत, है ना? आप बस उनको थोड़ा सा बोलो कि एक बार आप अटेंड करके देख लो, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, है ना? सो दैट्स वाई मेक श्योर 5th October 12 PM यू टेल योर पेरेंट्स टू प्लीज अटेंड दिस. चेतना मैम इज टेकिंग दिस सेशन एंड वी ऑल नो चेतना मैम के बारे में, राइट? शी हैज अ यूट्यूब चैनल एंड शी इज वेरी गुड एट दिस थिंग, राइट? सो प्लीज मेक श्योर यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट दिस. एंड पीपल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लास्ट यही है तुम्हारा होमवर्क आज का, ठीक है? यस, थैंक यू पीपल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हुआ है, और शेयर करो. बच्चों को पता चले यार एंथी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है? तुम लोग को आता है क्यों? क्योंकि तुम पढ़े हुए हो. बाकी बच्चों को दिक्कत होगी, राइट? बताओ उनको, थोड़ा शो ऑफ करो नॉलेज को, राइट? मेक श्योर यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. चलो, टेक केयर, बाय बाय. क्लास 10th वालों, मिलते हैं जरा 5 मिनट में, ठीक है? चलो, बाय.